आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मा जी की पोतियों के नाम। लेकिन ब्रह्मा जी की पोतियों के नाम आप जाने, उससे पहले जानना पड़ेगा ब्रह्मा जी के बेटे का नाम। ब्रह्मा जी के बेटे थे दक्ष प्रजापति। उनका विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था स्वयंभू मनु जी की बेटी प्रसूति के साथ में। फिर दक्ष प्रजापति और प्रसूति जी की 16 बेटियाँ हुई, 16 कन्याओं को उन्होंने जन्म दिया। उसमें एक बेटी थी जिसका नाम था स्वाहा। स्वाहा जी का विवाह हुआ नवग्रह में से एक अग्निदेव के साथ में। इसीलिए कभी भी हवन किया जाता है तो उसमें आहुतियाँ स्वाहा के नाम से दी जाती हैं। उनकी दूसरी बेटी थी सोदा। कभी भी पितरों का हवन होता है तो उसमें स्वाहा नाम से आहुति नहीं दी जाती है, पितरों के हवन में सोदा के नाम से आहुति दी जाती है। उसका कारण है कि दूसरी बेटी सोदा जी की शादी हुई थी पितृगणों के साथ में। तो कभी भी तर्पण करते हैं तो उसमें सोदाय तृत्याम 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 कहा जाता है, और जब हवन होता है तो उसमें आहुति सोदा के नाम से दी जाती है। उनकी तीसरी पत्नी थी सती जी, जो भगवान शंकर की पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी थी पार्वती, लेकिन पार्वती जी से शादी होने से पहले महादेव की शादी हुई थी सती माता से। सती जी ने, दक्ष प्रजापति जी ने महादेव का अपमान किया, यज्ञ किया, उन्हें नहीं बुलाया, उनका अपमान किया, तो सती जी ने वहीं यज्ञ कुंड में अपने प्राण स्थापित छोड़ दिए और अपना देह का अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर महादेव वो देह लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे तो उनका मोह भंग करने के लिए विष्णु जी ने उनके कवन टुकड़े किए। जहाँ जहाँ टुकड़े जीते हैं उन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है। तो ये हो गई तीन बेटियाँ, पहली स्वाहा जिनकी शादी अग्नि के साथ हुई, दूसरी सोदा जिनकी शादी पितृगण से हुई, और तीसरी सती जिनकी शादी महादेव के साथ हुई। बाकी की जो 13 बेटियाँ हैं उनकी शादी हुई धर्म के साथ में। तो जहाँ भी ये होती हैं वहाँ पे धर्म का वास होता है। तो बाकी की 13 पत्नियाँ हैं श्रद्धा मैत्री दया, जहाँ पे भी दया होगी वहाँ पे धर्म होगा, शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति। उसके बाद में बाकी की बेटियों का नाम है उन्नति और बुद्धि मेधा तितिक्षा और मोती। जय माता।